गीता में लिखा है, नंबर वन, कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि यह नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर वार करते हैं। नंबर टू, अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे शब्द रह जाते हैं। नंबर थ्री, संघर्ष पिता से और संस्कार माँ से सीख लीजिए, क्योंकि बाकी सब सिखाने के लिए दुनिया वाले हैं। नंबर फोर, सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। नंबर फाइव, जब मन कमजोर होता है परिस्थितियां समस्या बन जाती है, जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौतियां बन जाती है, जब मन मजबूत हो तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। नंबर सिक्स, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। नंबर सेवन, भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी, बस भगवान पर विश्वास रखिए। नंबर एट, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा, परिवर्तन संसार का नियम है। नंबर नाइन, कड़वे वचन सत्य वचन, पहला, आवश्यक है मरना, दूसरा, साथ कुछ नहीं है जाना, तीसरा, जो करेगा वह भरेगा, चौथा, जहां उलझो वहीं समझो, पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। नंबर टेन, निंदा तो उसकी होती है जो जिंदा है, मरे हुए की तो बस तारीफ ही होती है। नंबर अलेबन, पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य, और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह हमेशा आभूषण ही बनते हैं। नंबर ट्वेल्व, अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाए तो वह जीवन भर रोएगा। नंबर थर्टीन, घमंड एक भ्रम है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन बाद में वही हमारे बर्बादी का कारण बनता है। नंबर फोर्टीन, जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। नंबर फिफ्टीन, शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल खत्म। नंबर 16, जितना मर्जी पढ़ लो, जितनी मर्जी डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन सीखता तो इंसान दुनिया की ठोकरों से ही है। नंबर 17, समय, सम्मान और विश्वास, यह तीन चीज ऐसी होती हैं जो एक बार हाथ से गई तो फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आती। नंबर 18, समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 19, कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है, एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। नंबर 20, एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर एक मिनट में सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। नंबर 21, वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। नंबर 22, जीवन को खुला छोड़ दें जीने के लिए, क्योंकि संभाल कर रखी गई चीज अक्सर वक्त पर नहीं मिलती। नंबर 23, कहते हैं कि औरत की उम्र और पुरुष की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए,
उसका अच्छा सा कारण यह है कि औरत कभी अपने लिए नहीं जीती और पुरुष कभी अपने लिए नहीं कमाता। नंबर 24, आज की हकीकत यही है कि आपने सुन लिया तो सुलझ गए और सुना दिया तो समझो उलझ गए। नंबर 25, दुनिया का नियम है मेरे दोस्त, जब तक पैसा है तब तक हाउ आर यू, और पैसा खत्म तो हु आर यू, यही आज की कड़वी सच्चाई है। नंबर 26, हमें जो मिला है हमारे भाग्य से ज्यादा मिला है, अगर आपके पांव में जूते नहीं हैं तो अफसोस मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पांव ही नहीं है। नंबर 27, जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ेंगे नहीं तब तक वह तुम्हारे ऊपर हावी होते रहेंगी। नंबर 28, तेरी मंजिल तेरा हौसला आजमाएगी, सपने टूटने का डर दिखाएगी, किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, ठोकर ही तुझे दोबारा चलना सिखाएगी। नंबर 29, जिसे चाहो उससे कुछ मत चाहो। नंबर 30, इतने काबिल बन जाओ कि जहां आप खड़े हो जाओ वहां कोई बैठा ना रहे। नंबर 31, रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं दिल की शुद्धि होनी चाहिए। नंबर 32, माता और पिता पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते होंगे, लेकिन पिता जैसा देखभाल करने वाला और माँ जैसी प्यार करने वाली दोबारा नहीं मिलते। नंबर 33, परिश्रम करने की उम्र में यदि आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा। नंबर 34, मत सोचो जिंदगी बोझ है, खुश रहो क्योंकि समस्या तो रोज है। नंबर 35, जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ पर किसी की मजबूरी का नहीं, अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। नंबर 36, पूरी दुनिया जीत कर भी अगर माँ बाप का दिल ना जीता तो वह जीत हार के समान है। नंबर 37, जब तक मन में खोट और दिल में पाप है तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप है। नंबर 38, अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, यह चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। नंबर 39, समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। नंबर 40, जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और अफसोस ज्यादा देती है। नंबर 41, प्रतिदिन खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। नंबर 42, समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। नंबर 43, हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन ना करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अपने अच्छे दोस्त खो देते हैं। नंबर 44, कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। नंबर 45, श्री कृष्ण जी कहते हैं किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करिए, क्योंकि जिसे आप पर विश्वास है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे आप पर विश्वास नहीं है वह मानेगा नहीं। नंबर 46, सफाई देने में अपना समय मत बर्बाद करिए, लोग केवल वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। नंबर 47, दो लोग जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वह जो मौका देते हैं और दूसरे वो जो धोखा देते हैं। नंबर 48, दो हाथ से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते पर दो हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। नंबर 49, कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए।
नंबर 50 कीमती बात, मीठे हलवे की कटोरी में काजू, बादाम, सूजी सब तो दिखाई देते हैं, पर जिस चीज से इसमें मिठास है वह शक्कर नजर नहीं आती है। ठीक ऐसे ही मेरे जीवन में भी आप जैसे लोग हैं जो रोजाना दिखाई तो नहीं देते, पर आपके अपनेपन की मिठास मेरे जीवन को हमेशा आनंदित करती रहती है। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर जरूर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।